यस डियर स्टूडेंट, अब हम जो रेशियो और प्रोपोर्शन हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में, उनकी प्रॉब्लम्स के डिस्कस करते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है। हम पहले प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, एन एलॉय इज टू कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 9:4। नाउ फाइंड द जिंक रिक्वायर्ड टू मेल्ट विद 24 किलोग्राम ऑफ कॉपर। इजी प्रॉब्लम है, आपको कॉपर के कितना जिंक रिक्वायर्ड है वो निकालना है। ऑप्शंस आपको गिवन है, तो देखो मैं मान लेता हूँ कि लेट एक्स किलोग्राम ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड, जिंक इज रिक्वायर्ड। अब हमें मालूम है कि कॉपर एंड जिंक, तो कॉपर कितना है आपका, कॉपर है आपका 9:4 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ये कॉपर है, ये जिंक है, और कॉपर कितना गिवन है 24 किलोग्राम, और जिंक मैंने कितना माना है, एक्स माना है। तो यहाँ से यदि मैं सॉल्व करूँ तो ये आपका आ गया 9x = 24 × 4 = 96। तो बेटा ये आ गया x का वैल्यू 96/9, या 3 से कैंसिल करो तो 32/3 तो ये हो गया आपका 10/2/3 किलोग्राम ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट विद 24 किलोग्राम ऑफ कॉपर। इसका मतलब 10/2/3 किलोग्राम ऑफ जिंक आपको रिक्वायर्ड है। ये हमारी पहली प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अब इस टाइप की प्रॉब्लम ज़्यादा पूछी जाती है। अब ए कंटेन सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 50 पैसा, 20 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन, और रेशो आपको गिवन है 3:4:5। अब हमें 20 पैसा कॉइन निकालना है, जबकि हमें गिवन है कि जो टोटल अमाउंट है मनी का वो 42 रुपीज़ है। अब कैसे सोल्व करेंगे ये समझो। मैं मान लेता हूँ कि लेट 50 पैसा, 20 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन लेट नंबर हो, ये मान लिया हमने 3K, 4K एंड 5K रेस्पेक्टिवली। भाई मैंने 50 पैसा कॉइन आपको मान लिया 3K, 20 पैसा कॉइन मान लिया 4K और आपका 10 पैसा कॉइन मान लिया 5K। अब देखो हमारे पास टोटल अमाउंट गिवन है 42 रुपीज़, तो 50 पैसा के कितने कॉइन है 3K, तो टोटल अमाउंट हो गया पैसे में 50K × 32 3K, प्लस 20 पैसा के कितने कॉइन है 4K, तो इसका टोटल अमाउंट हो गया 20 × 4K, फिर 10 पैसा के कितने कॉइन है 5K, तो ये आ गया टोटल अमाउंट, और हमारे पास टोटल अमाउंट कितना 42 रुपीज़, तो पैसा में कितना होगा 4200, तो हमने 42 रुपीज़ को पैसा में कन्वर्ट कर लिया। तो बेटा ये आ गया 150K प्लस 80K प्लस 50K इक्वल टू 420। अब ये कितना हो गया 280K इक्वल टू 420, तो K इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया। तो यहाँ से हमें K का वैल्यू 15 निकालना है। अब हमें कितना निकालना था, नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन, तो नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन इज इक्वल टू 15 × कितना 4K, तो 15 × 4, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन 60 आ गया। वही नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन हमारे पास 60 आ गया, दिस इज द नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन। अगला प्रॉब्लम बिल्कुल इसी तरीके से इसको समझते हैं। ये बोल रहा है बॉक्स कंटेन ₹56 इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 50 पैसा एंड 20 पैसा। अब उसने बोला है नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन। पहला केस तो ये है, अगेन नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज 4 times ऑफ नंबर ऑफ 10 पैसा, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन। तो मैं क्या करता हूँ कि लेट द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन मैं मान लेता हूँ कि यदि ये के मान लिया तो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन कितना हो गया, 50 पैसा कॉइन इक्वल टू 4K। अब बेटा यदि ये 4K आ गया तो 25 पैसा कॉइन डबल है, डबल करना 50 पैसा कॉइन डबल है 25 पैसा का, तो नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन 2K हो जाएगा।
के टू के हो गया। जैसे आपने नंबर ऑफ कॉइन निकाली अब दिक्कत नहीं है, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम क्या बोल रहा है भाई, नंबर ऑफ वन रुपी कॉइन के है तो वन रुपी को पैसे में कन्वर्ट करो तो 100 इंटू के प्लस 50 पैसा इंटू 4 के अमाउंट आ गया, 25 पैसा इंटू 2 के और टोटल अमाउंट कितना रुपीज की वन है 56, तो पैसा में हो गया 5600। तो ये आ गया 100 के प्लस 200 के प्लस 50 के इक्वल टू 5600, 350 के इक्वल टू 5600, तो के का वैल्यू हमारे पास आ गया 16। तो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन ये था हमारा 4K, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन 64, ये हमारा ए ऑप्शन आ गया इसका। तो दिस इज द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, यहाँ पर 50 पैसा कॉइन आपका आ गया 64। तो कोई भी आपकी कॉइन वाली प्रॉब्लम है तो हम इस तरह से करेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल के लेते हैं, अगली प्रॉब्लम किस तरह की है वो समझिए आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है इन 40 लीटर मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर द रेशियो ग्लिसरीन and water is 3:1. The quantity of water added in the mixture in order to make this ratio 2:1. ऑप्शन हैं आपके 15 लीटर, सेकेंड 10 लीटर, सी 8 लीटर एंड डी 5 लीटर। तो हमें बोल रहा है कि कितना वाटर मिक्स किया जाए कि ये आपका 2:1 में आ जाए रेशियो। अब आपको गिवन है, देखो ग्लिसरीन वाटर उसका रेशो गिवन है 3:1, तो बेटा ग्लिसरीन कितना होगा और टोटल लीटर दे रखा आपको 40 लीटर, तो ग्लिसरीन हो गया 3/4, इन दोनों का टोटल 4 × 40, 30 लीटर तो ग्लिसरीन आ गया। अब बात करें वाटर की, तो वाटर आ गया 1/4 × 40, तो 10 लीटर वाटर आ गया। अब ये बोल रहा पानी कितना मिलाना, वाटर कितना मिलाना, तो लेट x लीटर्स ऑफ वाटर बी एड, मैंने मान लिया कि x लीटर वाटर ऐड किया, तो यदि मैंने x लीटर वाटर ऐड किया तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपका क्या हो गया, 30/10 + x, दिस इज इन द रेशियो 2:1। अब इसको सोल्व कर लो भाई, 20 + 2x = 30, तो 2x = 10, तो x = 5 लीटर, इसका मतलब कितना वाटर मिक्स करना चाहिए, सो देयरफॉर 5 लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एड, 5 लीटर्स ऑफ वाटर हमें ऐड करना चाहिए। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। The incomes of A and B are in the ratio 3:2, and their expenditure are in the ratio 5:3. If each saves rupees 15,000, then these income is. Options हैं आपके 60,000,
45,000, फिर है आपका 30,000 और फिर है आपका 75,000। अब देखते हैं भाई, एक काम करते हैं, लेट इनकम तो ए एंड बी और 4K एंड 3K रेस्पेक्टिवली, ये मान लिया। अब देखो कितने रुपए बचा रहा है, 15,000 रुपये बचा रहा है। तो देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यदि आपका 4K इनकम है उसमें से जो बचा रहा है वो हटा दो, इधर से भी 3K जो इनकम है उसमें से 15,000 रुपये जो बचा रहा है वो हटा दो, तो बेटा ये इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। ये सबसे ईजी तरीका है, ये आपकी जो भी इनकम है उसमें एक्स्ट्रा आपका जो बचा रहा है ये सेव कर रहा है वो हटा दो, तो आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 15K ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस 75,000 इक्वल टू 12K माइनस 45,000, तो हम देख रहे हैं 3K इक्वल टू 3K, एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:2 था, सॉरी 3K 2K, कोई बात नहीं 3K 2K, तो ये आ गया आपका 339K 45,000 और ये आ गया 10K और 75,000। तो हम देख रहे हैं यहाँ से K का वैल्यू आपका 30,000 आ गया, तो इनकम ऑफ बी कितना है 2K, इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 2K, 2 × 30,000 इक्वल टू 60,000। भाई हमारा इनकम था 3:2, एक बार दोबारा समझ लेते हैं, वो मैंने पहले गलत ले लिया था, इनकम ऑफ ए एंड बी है 3:2, तो हमने 3K और 2K उसकी इनकम मान ली। अब 15,000 रुपये बचा रहे तो रेशियो कितना हो गया 5:3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 10K और 9K माइनस 45,000, 10K माइनस 75,000, तो यहाँ से हमें K आ गया 30,000, तो हमारी इनकम हो बी 30,000 × 2 60,000 आ गई। दिस इज द इनकम ऑफ बी।